अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज की जो मैंने वीडियो, ये जो मैं आपको आज मैं करूँगा शेयर, आज दो वीडियो जाएंगी मेरी। ये बेसिकली कमेंट्स में आता है कि पिच्ड आए कि वैल्यू, मसलन कभी फार्मूला कुछ और होता है, कभी कुछ और होता है। देखें, मैं आप लिख रहा हूँ कि पिच्ड आए के लिए आप कितने फार्मूले इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, टीथ डिवाइडेड बाय डीपी। अब डीपी का मतलब आप समझ गए होंगे कि डायमीटर पिच में, पिच रहा है। अच्छा, क्या लिख सकते हैं आप? टीथ, ठीक है, ये नंबर टू, टीथ डिवाइडेड बाय कोसाइन मल्टीप्लाई पीएन। ठीक है, एक फार्मूला आप ऐसे भी कर सकते हैं। नंबर थ्री, टू पी एन माइनस आउटर डाया, ये फार्मूला भी है। देखें पिच डाया के, देखें तीन फार्मूले तो यही हो गए। चले जी, नंबर फोर, एन मल्टीप्लाई मॉड्यूल डिवाइडेड बाय कॉस एंगल, ये भी पिच डाया पेयर होता है। पांचवा जी आ गए, एन मल्टीप्लाई मॉड्यूल मल्टीप्लाई कॉस, ये भी पिच डाया पर आ गया। देखें पांच फार्मूले आपने जो अक्सर यूज करते हैं, देखें हमारे केस के अंदर जो फार्मूले चल रहे हैं वो ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज होते हैं कि जहां आप डिजाइन कर रहे हो हेलिकल गियर, और वर्कशॉप लैंग्वेज के अंदर जो ज्यादातर इस्तेमाल होते हैं वो ये वाले फार्मूले इस्तेमाल होते हैं पिच डाया के लिए। ठीक है, ये जहन में रखिएगा। आप लोगों ने जो पिच डाया ज्यादातर मालूम करना है, जाहिर वर्कशॉप में मेंटेनेंस के लिए गियर आते हैं तो आप ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज करते हैं। ये फार्मूला उस टाइम यूज करें जब रेशियो उसके अंदर मौजूद हो, वो उस कैटेगरी में आता हो, 16 पोजीशंस की कैटेगरी में आता हो, तब आप इन कैलकुलेशंस को हल करेंगे। ये वाला फार्मूला ये बड़ी अहम चीज है। अच्छा जी, अब आ गए लीड। लीड के फार्मूले देखने कितने हैं। लीड फार्मूलास ये कितने, ये भी मैं आपको बता देता हूं। लीड इक्वल पिच डाया मल्टीप्लाई पाई डिवाइडेड बाय 10। लीड बराबर है पिच डाया मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई कॉट। आप जो ये भी नंबर एक हो गया, ये भी नंबर टू हो गया, जब मिली में हल करेंगे तो मिली में ज़्यादातर आप इसको लिया करें। ठीक है, अगर इधर इसको हल करते हैं तो ये मिली में भी हो जाता है, लेकिन कोशिश ये की जाती है कि साइजेस इंचेस में हो। अच्छा जी, इसके बाद नंबर थ्री, लीड नंबर लीड मल्टीप्लाई टीथ, यानी टोटल टीथ की तादाद डिवाइडेड बाय साइन मल्टीप्लाई पीएन। पीएन का जिक्र आ गया, इसका मतलब ये डीपी में इस्तेमाल करेंगे आप। ये भी मिली और डीपी दोनों में आ जाता है, ये मिली में आएगा। देखें ये तीन फार्मूले तो यही है, और पिच डाया के देखें कितने फार्मूले। मेरे अक्सर केसेस के अंदर ज़्यादातर ये फार्मूले अभी यूँ चल रहे हैं क्योंकि ये डिज़ाइन हो रहा है कि 16 पोजीशंस के अंदर क्या सिचुएशन हो सकती है। अच्छा, और भी एक फार्मूला को देखें जी, कि सिक्स पिच डाया मालूम करने का, कि ओडी माइनस एडिंडम। ठीक है, ये देख लें, ये उतार लें, बड़े अहम चीज़ें कि आपको कब क्या किस चीज़ का कर दिया। मैं यहाँ लिख देता हूँ पिच डाया, ये नंबर ऑफ टीथ जितने भी हैं। ठीक है, कोसाइन पी एन, ये डीपी सिस्टम में आता है, इंच में आता है, ये भी इंच में आता है, लेकिन ये भी डीपी में आता है, ये भी डीपी में आता है, ये भी मॉड्यूल में, ये भी मॉड्यूल में, ये भी मॉड्यूल में,
कई फार्मूले, यहाँ पे गैलिसन के अंदर जो फार्मूलाज है उनमें पिच डाया इस तरीके से मालूम किया जाता है, उसमें कोसाइन आता नहीं है। तो सिचुएशन क्या होती है कि आपको आपकी कैलकुलेशन कैसी होनी चाहिए, मैं आपको सारे फार्मूले बता देता हूँ, आपको क्या उसमें चूज लगता है, आप उसमें कैसे दस्तरा हासिल करते हैं, ये आपका काम है। नहीं समझ में आती तो ये बार आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये बड़ा अहम टॉपिक है, ये मैंने आज आपको बताया कि लीड का फार्मूलाज, ये पिच डाया फार्मूलाज, पिच डाया फार्मूलाज, ठीक है बेटा। ये कैटेगरी है, लीड कितने तरीके से मालूम कर सकते हैं, और भी कई तरीके होते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें, समझें, नहीं समझ में आए सवाल कर सकते हैं। इसके साथ ही शाही निसार को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।